फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो आज हम फिर से आपके पास आए हैं एक और वीजा सक्सेस स्टोरी के लिए। आज हमारे साथ है मिस्टर ध्रुव। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस ध्रुव। एक बार ऑडियंस को अपना वीजा कॉपी दिखा दो सबको। ओके, सो ध्रुव, हाउ वाज योर फीलिंग नाउ? हम बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबसे पहले थैंक यू सो मच कांग्रेचुलेशंस के लिए। जब मैं यहाँ पे आया था तो बहुत सैड था और अभी मेरी खुशी फूले नहीं समा रही। अच्छा, ठीक है। सो थोड़ा सा मेरे को ना ऑडियंस को भी आपकी खुशी शेयर करते हैं एक बारी, है ना ध्रुव? सो ध्रुव, मेरे को एक चीज बताओ, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? मैम, एकेडमिक बैकग्राउंड में मेरा कोई भी जैसे स्टडी गैप वगैरह कुछ नहीं है। मैंने 12th पास करी। 12th पास होने से पहले मैंने इटली के लिए अप्लाई कर रखा था जनवरी से। ओके, सो आप वहां से कंटिन्यू आपने क्यों नहीं किया? आपने कोई और एजेंट चूज क्यों करा? मैम, वहाँ से कंटिन्यू करने का सिर्फ एक ही कारण था, उनकी जो थी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे मेरे को। कोई सही से मेरे को आंसर नहीं करता था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे थे। हालांकि उनके गूगल रिव्यूज़ अच्छे हैं, बट ठीक है, वो खुद भी डाले जा सकते हैं, मेन बात ये है। तो है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। पहले बोला मेरे को कि मार्च तक आपके हाथ में भी आपका वो होगा, एक्सेप्टेंस लेटर होगा यूनिवर्सिटी का। फिर बोला अप्रैल में होगा। करते करते प्रोसेस आगे बढ़ाते गए कि ये हमारे आ रहे हैं। अप्रैल में मेरे को 2 रिजेक्शन आ गए मैम। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ कैसिनो से और एक और यूनिवर्सिटी थी इटली की। ऑलराइट, तो वहाँ से फिर उन्होंने बोला कि आप दूसरा कोर्स कर लो। ओके, मैंने कहा जी दूसरा कोर्स क्यों कर लूँ मैं? हाँ जी। मेरे को नेपल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स से एक्सेप्टेंस आया था इटली से, बट मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट था करके। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? आपने 12th कौन सी फील्ड में करा हुआ है? मैंने कॉमर्स से करा है मैम। कॉमर्स है मेरे पास विदाउट मैथ्स। ठीक है, चलो कोई बात नहीं ध्रुव। देखो, हम किसी भी एजेंट के ऊपर ऐसे कमेंट नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी सर्विसेज होती हैं। सो बट एट द एंड ऑफ द डे यू गॉट योर वीजा एंड फाइनली यू विल बी फ्लाइंग सून, राइट? सो ध्रुव, कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ मैम लिथुआनिया विल्नियस में जा रहा हूँ, विल्नियस गेडिमिनास टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हाउ डू यू गॉट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी? मैम, ये बात तो आपको पूछनी नहीं चाहिए, आप ही ने मेरे को बताया था, सजेस्ट करा था, चॉइस वगैरह दी। मैंने घर जाके टाइम लिया, सर्च करा, जब पता लगा विल्नियस टेक के बारे में तो मैंने सीधा आपको डन बोल दिया। मैंने आपको बताया तो बस मेरे कहने पे आपने डिसीजन ले लिया, खुद से कुछ कॉल लिया था? भाई मैं बता तो रहा हूँ, घर गया, मैंने रिसर्च करी, पता लगा, उसके बाद फिर विल्नियस ही चुना। ओके, ठीक है। सो आपकी फैमिली क्या रिव्यूज है आपकी फैमिली के इसमें कि आपने इंडोरमा के साथ एनरोल किया? आपको सर्विसेज कैसी मिली हमारी? मैम बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन फीस थी यहाँ की, वो मैंने फर्स्ट टाइम में खुद से दी थी, तो मैंने अपनी तरफ से दी। जब एक्सेप्टेंस आया तो मेरे को बहुत खुद से ट्रस्ट हुआ कि एटलीस्ट एक्सेप्टेंस आ गया प्रेफरेबल कोर्स में। तो उसके बाद नानी भी बहुत खुश हुई, फिर नानी ने भी जो भी फीस वगैरह करा। उसके बाद अब जब वीजा आ गया तो नानी से ज्यादा कोई खुश है भी नहीं। ठीक है, दैट मींस नानी ही है जो आपको पूरे प्रोसेस में हेल्प कर रही है ध्रुव। बिल्कुल, ठीक है। दैट मींस कहीं ना कहीं हमने आपका एक ट्रस्ट फैक्टर ब्रेक नहीं किया, आपको हमने जो कमिटमेंट किया था उसको हमने आपको फुलफिल किया, राइट? सो ध्रुव, हमारे ऑडियंस को ना थोड़ा सा एक चीज और बताओ, बिकॉज आई कैन यू नो फील कि आपको एक फ्रस्ट्रेशन लेवल भी है जो आपका एक टाइम वेस्ट हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इंडो यूरोपियन में जब आप कौन से मंथ में आए थे हमारे पास? मैम, मैं जून में आया था यहाँ पे, एंड ऑफ द जून में, लाइक 20th के आसपास में आया था। सो जून से लेके अब तक का थोड़ा सा जर्नी एलाबोरेट करोगे हमारे घर बैठे ऑडियंस को? देखो दोस्तों, सीधी सी बस एक ही बात है, मैं यहाँ पे आया, पहले भी मेरे को जब मैं स्टार्ट करा था मैंने दिसंबर से प्रोसेस अपना, तब भी मेरे को इंडो यूरोपियन का नाम आया था। सबसे कारण मेन था यहाँ आने का कि मैम लिथुआनिया में आपका ऑलरेडी एक स्टूडेंट है सरदार जी, मेरे को नहीं पता उसका नाम वगैरह, बट हाँ उसकी यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखी, जैसे आपने मेरे को लिथुआनिया बताया था। हाँ जी। उसका मैंने देखा, उससे बात हुई करके, तो उन्होंने कहा कि इंडो यूरोपियन के पास जाओ, ठीक है, उनकी रीजनेबल कॉस्ट है, आपका एक्सेप्टेंस और वीजा वगैरह सब उनकी जिम्मेदारी है, और आपको देंगे वो ऐसी चॉइस कि आपका वहाँ पे होना ही होना है, रिजेक्शन की कोई भी मतलब पास ही नहीं है। ठीक है, दैट मींस ऑडियंस, आप ध्रुव की खुशी देख रहे हो, उसके व्यूज खुद ब खुद निकल के आ रहे हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा अपने व्यूज, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट ध्रुव, राइट? ऑल आई वांट इज, देखो गाइस, हम लोग कभी भी किसी एजेंट्स में ना कमेंट्स नहीं कर सकते, तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा ध्रुव को एक गाइडेंस और देना चाहती हूँ। सब लोगों का काम करने का तरीका अपना अपना होता है, राइट? आई एम श्योर मेरी टीम ने भी आपको हेल्प करा होगा, स्टेप बाय स्टेप समझाया होगा। बिल्कुल।
मेन पॉइंट होता है, आपको किसी भी एजेंट को पैसे देने से पहले आप हर चीज खुद ब खुद भी चेक करें। जैसे ध्रुव ने कहा कि मैम आपने बताया था, सो ऐसा नहीं है कि आप एजेंट के पास आए, एजेंट ने आपको हाथ में ऑप्शन दिया और आपने कर लिया। आपका काम है घर जाके खुद उस पर रिसर्च करना, राइट? सो ध्रुव मेरे को एक चीज और बताओ, जब आपने हमारे थ्रू एडमिशन अप्लाई करा तो यूनिवर्सिटी का प्रोसेस आपको ऑफर लेटर तक कैसा रहा था? आपको क्या मेरी टीम ने स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया था? हाँ जी मैम बिल्कुल, मेरे को उन्होंने स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया था। दो तीन रिजेक्शन के बाद मैम दिल में तो हो ही जाता है, तो मैं कंटिन्यूअसली पूछता भी जा रहा था, अपने एंड से भी पूछते जा रहे थे। हाँ जी हाँ जी, और बाकी टीम भी मेरे को सपोर्ट कर ही रही थी कि आ जाएगा, कुछ बच्चों का आया है कुछ का नहीं आया है। और जैसे ही मैम मेरा एक्सेप्टेंस प्री एक्सेप्टेंस आया जिसमें मेरे को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करा गया था, तो इंटरव्यू के लिए पूरी गाइडेंस दी थी, टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए थे कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इनके आप आंसर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया आपसे यूनिवर्सिटी में? मैम इंटरव्यू में पूछा गया था कि बेसिकली आपने लिथुआनिया को क्यों चूज करा है, लिथुआनिया अगर चूज करा है तो विल्नियस टेक ही क्यों चूज करा है। उसके बाद थोड़े क्वेश्चन पूछे थे मेरे पास्ट के रिगार्डिंग, उसमें से एक क्वेश्चन था कि आप क्लास में किस तरह के बच्चे हो, ऐसे करके भी उन्होंने पूछा था। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उनको सच बताओ, ठीक है। सो ऑडियंस यहाँ पर एक चीज और आप नोटिस करना कि ध्रुव ने आपको एक एक पॉइंटर्स बताए हैं कि यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछते हैं। तो इट्स माय रिक्वेस्ट, जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होता है तो प्लीज इन क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। एंड आई एम श्योर मेरी टीम ने भी आपको प्री यू नो एक्सप्लेनेशन दिया होगा कि ये पूछा जाएगा, राइट? ठीक है। सो लेटर आने के बाद आपने ट्यूशन फीस पे करा, राइट? हाँ जी मैम। ट्यूशन फीस पे करने के बाद का आगे का प्रोसेस क्या था ध्रुव आपका? मैम ट्यूशन फीस पे करी मैंने, मेरे को 3 से 4 दिन बाद आया वहां से लेटर कि हमें रिसीव हो गई है आपकी फीस। बेसिकली आप लोगों ने ही मेरे को बताया था वो चीज कि वहां से फीस हो गई है। उसके बाद थोड़ी संतुष्टि मिली थी कि अब तो फीस जा चुकी है, और जो उनका ऑफर लेटर था उसमें लिखा भी हुआ था कि 1 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट है वगैरह वगैरह करके। एंड देन आपने फीस सबमिट किया, उसके बाद आपका VFS आया, राइट? आप VFS में सबमिशन के लिए गए। आपका एम्बेसी इंटरव्यू आया कोई? नहीं मैम, एम्बेसी इंटरव्यू बिल्कुल नहीं आया। लिथुआनिया का मेरे दोस्त ने अप्लाई करा था, आप ही के थ्रू करा था, उसका भी नहीं आया। ठीक है। सो ध्रुव ओवरऑल अगर मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहूँ इंडो यूरोपियन को, राइट, आप 5 में से कितने मार्क्स देना चाहोगे? मैम 10। 5 में से 10, ऐसा क्यों ये बताओ पहले थोड़ा सा। मैम सबसे पहली बात, मैंने हम दोनों ने सबसे पहले ऑडियंस को दिखाया है हमारा वीजा, उसी के कारण कि मेरे को लाइक होप भी नहीं था कि मैं जा पाऊंगा, क्योंकि बाकी एजेंट्स जो कर रहे थे प्लस मेरे प्रोफाइल में प्रॉब्लम आ रही थी ड्यू टू माय फैमिली के उससे जो भी है, नानी कर रही है स्पॉन्सर सब है उस वजह से। ओके। तो वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी, बट प्रॉब्लम आने के बावजूद मेरा वीजा आ गया, दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द यू नो सच अ बिग यू नो फीडबैक ध्रुव। सी ध्रुव, मैं ये नहीं बोलूंगी सब कुछ हमने किया, यस हमने किया, बट अगेन वी वर्क एज अ टीम, राइट? आपने भी बराबर हमें सपोर्ट किया। सो ऑडियंस आई एम श्योर आज आपको हमने एक ऐसा यू नो इंटरव्यू दिखाया जहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा ही खुश है कि 5 में से वो हमें 10 मार्क्स दे रहे हैं, राइट? सो गाइस सिर्फ मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि कोई रिजेक्शन आ गया है, वीजा रिफ्यूज हो गया है, या आपके फैमिली में कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है तो आप नहीं जा सकते। देर आर मल्टीपल वेज, बट इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप सही एजेंट को सही टाइम पे चूज करो। एम आई राइट ध्रुव? बिल्कुल मैम। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू सो मच ध्रुव फॉर सच अ यू नो गुड फीडबैक फॉर इंडो यूरोपियन। आई होप आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। मैम एक बात और बोलना चाहूंगा मैम कि जो ऑडियंस है एज सच मेरा जो माइंड था सबसे पहले दिसंबर में कि इंडो यूरोपियन, तो इट्स ओनली नॉट फॉर यूरोप, ये जो कंसल्टेंसी है ये पूरे यूरोप के अलावा भी आपके पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस हर जगह आपके लिए अप्लाई करती है। तो बस यही बताना था, तो गो फॉर देम। थैंक यू सो मच ऑडियंस एंड थैंक यू ध्रुव, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.